इस ब्रेन स्ट्रोक पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नमित गुप्ता। डॉक्टर नमित, हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक डिसीज़ है जिसमें हमारा बॉडी का कुछ पार्ट या आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं करने लगता या सुन हो जाता है, तो उसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ये दो तरह का ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, एक जिसमें क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, जिसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और एक जिसमें अगर खून का रिसाव हो जाता है या नस फट जाती है, जिसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। दोनों केसेस में इसको स्ट्रोक ही बोलते हैं, जैसे शरीर का एक पार्ट जो है सुन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है या ठीक से काम नहीं करता है। ब्रेन स्ट्रोक होने के आखिर कारण क्या है? क्या किसी तरह का खान पान इसके लिए जिम्मेदार है? व्यक्ति ऐसा क्या करे कि ब्रेन स्ट्रोक हो ही नहीं? ब्रेन स्ट्रोक होने का सबसे कॉमन रीज़न जो है वो एजिंग है। बिकॉज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा खून का जो नेचुरल कंटेंट है वो खून गाढ़ा होने लगता है, और यही रीज़न है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिसीज़ जो भी हैं ओल्ड एज में ज़्यादा पाई जाती हैं। पर आजकल ये यंगर जनरेशन में भी बहुत कॉमनली पाया जा रहा है, और सबसे कॉमन जो इसके रीजंस हैं वो लाइफस्टाइल है। बेसिकली फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी, मोटापा, एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें स्ट्रोक के इंसिडेंस को बढ़ाती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं। तो खान पान का इसमें मेजर रोल यही है कि अगर आपका डाइट कंटेंट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, घी, तेल, तला हुआ चिकनाई ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा है, भारी खाना ज़्यादा है, नॉर्मली जो भारी खाना होता है उसमें पाया जाता है कि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, और तो ये सब चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, ये भी लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हैं जो गाँव के लोगों को कम होती हैं और शहरी में ज़्यादा होती हैं, अगेन बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, वेट गेन, ओबेसिटी। तो ये सब चीज़ें स्ट्रोक को कंट्रीब्यूट करती हैं, और स्ट्रेस का भी इसमें मेजर रोल है, टाइम पे नहीं सोना, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये स्ट्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता है तो सेकेंडरली ये सब चीज़ें इंक्रीज ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों को ओरिजिनेट करती हैं, और फिर इससे सेकेंडरी जो है स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो मरीज में ऐसे क्या लक्षण दिखते हैं कि उनके परिजन को यह समझ में आ जाए कि यह ब्रेन स्ट्रोक है? तो ब्रेन स्ट्रोक का जो सबसे कॉमनली जो साइन पाए जाते हैं वो शरीर का किसी भी अंग में अचानक से सुनपन होना, या कमज़ोरी लगना, वीकनेस लगना, अंग काम नहीं करना, और या फिर एक आंख से कम दिखना, अचानक से दिखना बंद हो जाना, चेहरे पे सुनपन आना, और या अचानक से बहुत तेज चक्कर आना, चलने में परेशानी होना, लड़खड़ा के चलना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, और इसमें इमीडिएटली जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एंड जो ये धारणा है कॉमनली कि ब्रेन स्ट्रोक है तो बड़ी बीमारी है और बड़े हॉस्पिटल में ही जाके ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्ट्रोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टाइम होता है। स्ट्रोक के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, तो कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्रोवाइडेड वहाँ पे सिटी स्कैन की सुविधा अवेलेबल हो और न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो वहाँ पे स्ट्रोक का अच्छे से इलाज हुआ जा सकता है, और वो टाइम बाउंड जो ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए वो किया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक होने के हालात में गोल्डन आवर क्या है? मरीज को इसे स्ट्रोक होने के बाद घर से अस्पताल तक ले जाने के दौरान क्या कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट है? प्राइमरी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि स्ट्रोक का कौन सा टाइप है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर ब्रेन में क्लॉटिंग होती है तो उसमें हम खून पतला करने का दवा देते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, वो देते हैं। और अगर खून का रिसाव होता है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, और प्लस जो खून का रिसाव, जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, सबसे कॉमन कारण उसमें इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल में करना चाहिए। तो दिस इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, और उसके बाद में जहाँ भी नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और सिटी स्कैन की सुविधा अवेलेबल है वहाँ पे जाके फर्दर मैनेज करना चाहिए। गोल्डन आर का रोल है इश्केमिक स्ट्रोक में, जिसमें खून जम जाता है, क्लॉटिंग होती है, तो अगर ब्रेन में क्लॉटिंग है तो अगर एक क्लॉट बस्टिंग थेरेपी होती है, जिसको हम लोग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, अगर वो 4.5 घंटे के अंदर दी जाए, सिम्टम चालू होने के 4 घंटे, अगर सिम्टम एक साइड का पैरालाइज हुआ और मरीज 4 से 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, सिटी स्कैन हो जाता है और कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, तो अगर ये दवा देते हैं तो ये दवा इमीडिएटली असर करती है, और जो क्लॉटिंग और जो पैरालाइज होता है, जो शरीर का अंग खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, वो विद इन 24 आवर्स जो है रिकवर कर जाता है और काम करने लगता है। आइडियली इनिशियली स्टेजेस में ये 3 घंटे का था, बट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू एडवांसेस इन मेडिकल साइंसेज, अब वो टाइम पीरियड जो बढ़ के है बाय गाइडलाइंस 4.5 घंटे हो गया, 4.5 घंटे फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। डॉक्टर नमित, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की संख्या देश भर में काफी कम है, मेट्रो सिटी में ही ज्यादातर न्यूरो स्पेशलिस्ट उपलब्ध है।
अब यदि 100 किलोमीटर दूर के गांव में किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो वह शहर के न्यूरोलॉजिस्ट के पास तत्काल नहीं पहुंच पाता है। विभिन्न डॉक्टर के इलाज से गुजरते हुए मरीज 5 से 15 दिन में न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है। तो क्या इन हालात में मरीज के इलाज की कोई संभावना होती है या नहीं? स्ट्रोक का ऐसा नहीं है कि अगर जो गोल्डन पीरियड निकल गया 4.5 घंटे का और उसमें अगर किसी को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो आगे कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो, खून का हेमरेज हो, तो दोनों केसेस में न्यूरो रिहैबिलिटेशन का एक बहुत मेजर रोल होता है। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन में और साथ में कुछ एक मेडिसिंस की मदद से जो भी हम ब्रेन के कुछ पार्ट को रिवाइव करने का ट्राई कर सकते हैं तो उससे काफ़ी पेशेंट्स को मदद मिलती है। और इनफैक्ट देखा जाता है कि जिन लोगों को गोल्डन आवर्स के टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता और जिनका जो भी डेफिसिट या कुछ पैरालाइज रह जाता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके 4 से 6 महीने में रिकवर करता है। तो अगर मैं वैसे तो इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है पर इन जनरल आपको बताऊं तो 4 से 6 महीने तक इसमें होप रहती है कि जो भी शरीर का अंग खराब हुआ है, जो पैरालाइज हुआ है, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता है। अधिकतर केसेस में जो भी रिकवरी होनी होती है वो 4 से 6 महीने तक हो जाती है। 6 महीने के बाद में फिर जो डिफेक्ट रह जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर लाइफ लॉन्ग रहता है। तो 15 दिन के बाद भी अगर कोई आता है तो उसमें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं, पर वो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस प्राइमरीली जो हैं वो न्यूरो रिहैबिलिटेशन के हैं, जिसमें दवाइयों की मदद से और फिजियोथेरेपी की मदद से शरीर के कुछ अंग को रिकवर करने का प्रयास किया जा सकता है।